हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम करने वाले हैं एक पीसी बिल्ड अंडर 40K। तो गाइस, जहां पर ग्राफिक कार्ड के प्राइस आज के टाइम पे डबल हो गए, जो कार्ड 15,000 का था वो कार्ड आपको 30,000 तक का मिल रहा है यार। तो उसी चीज को सोचते मैं एक बिल्ड लेके आया हूँ जिनका बजट 55,000-60,000 का है। उनके लिए बेसिकली ये बिल्ड है कि इस बिल्ड में आप गेमिंग कर पाओगे, अच्छी एडिटिंग कर पाओगे और फ्यूचर में आप स्ट्रीमिंग भी कर पाओगे किसी भी गेम की इस बिल्ड में बड़े आराम से। तो बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है कशिश और आप देख रहे हो टेक्नो कैश। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसे ही पीसी कंटेंट में, गेमिंग पीसीज में गाइस, तो अब तक करके रहे हो यार, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में जो वीडियो आएगी सबसे पहले मिलेगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बोलूंगा, आप में से किसी को भी कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी सजेशन चाहिए बिल्ड के रिलेटेड, तो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको यहीं कहीं शो हो रहा होगा, आप मुझे वहां पर डीएम कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। और एक चीज और बोलूंगा, अगर आपको जो मेरा पीसी है इसकी परफॉर्मेंस जाननी है या ये बिल्ड जानना है कितने में ऐसा पीसी रेडी होता है जो स्ट्रीमिंग गेमिंग एडिटिंग आपको करवा देता है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, इसके ऊपर वीडियो में जरूर लेके आऊंगा। अभी चलते हैं आज की वीडियो की बात करते हैं, जो 40,000 में हमें बिल्ड मिलता है उसकी क्या परफॉर्मेंस और क्या क्या कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्ड को। तो गाइस, जो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। जो प्रोसेसर इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं हम, वो है राइजन 5 प्रो 4650G। ये एक एपीयू है, एक मिनट रुक जाओ, कहीं जाना मत, चिढ़ना मत, स्किप मत करना वीडियो को बिल्कुल भी यार। ये प्रोसेसर आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकता है आपको, तो ध्यान से अभी डिटेल्ड वीडियो है, इस वीडियो को आराम से समझना, मैं आपको क्या क्या समझाने वाला हूँ, भागने की मत करना, बात को समझ लेगा जब ज्ञान बांटा जाए। तो बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद, डिटेलिंग में जाने के बाद मैं इस एपीयू को बेसिकली लेके आया हूँ आपके सामने। तो गाइस, इसमें हमें 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी बेस क्लॉक 3.7 GHz है, इसकी बूस्ट क्लॉक 4.2 GHz है। हाँ, ये एक लॉक प्रोसेसर है, इसको आप ओवरक्लॉक नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब बात करता हूँ इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के बारे में। यार देखो, ये प्रोसेसर हमें स्मार्ट टेक्नो की वेबसाइट से ही 18,200 का देखने को मिल जाता है बड़े आराम से, वहाँ से ले सकते हो इसको, या आप इसको ऑफलाइन मार्केट से भी एक बार ट्राई कर सकते हो, 17,500 तक का देखने को मिल जाएगा। अब बात आती है, अगर 18,000 का हमने एपीयू लेना है तो बंदे आप लोग कहोगे बेसिकली कि हम फिर राइजन 3600 सा प्रोसेसर ना लें। देखो, पहला पॉइंट, उस प्रोसेसर में आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स देखने को नहीं मिलते। जहां पर आपका बजट अभी के टाइम पर 50,000-60,000 तक का है, वहां पर आप उस बिल्ड के साथ जाओगे तो आप ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं ले पाओगे, क्योंकि प्राइस बहुत हाई है। तो गाइस, बात आती है इन दोनों प्रोसेसर की परफॉर्मेंस के बारे में। यार देखो, बात ऐसी है भाई, उसमें भी 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स हैं 3600 के अंदर भी, और इसके अंदर भी सेम 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स हैं। तो यार देखो, उसके कोर परफॉर्मेंस एंड इसके कोर परफॉर्मेंस की परफॉर्मेंस बिल्कुल सेम टू सेम है, मतलब 5% का ही डेप्थ देखने को मिलेगा आपको इस एपीयू के अंदर। तो यहाँ पर बात आती है, जहाँ पर आप ये बिल्ड करते हो 40,000 के अंदर डन अपना, तो आपको इसमें गेमिंग खेल सकोगे, आप एडिटिंग कर सकोगे, बल्कि यार आप सारी ही AAA टाइटल जैसी गेम को 1080 लो ग्राफिक्स से बड़े आराम से एक्सपीरियंस ले पाओगे। किसी भी गेम को चलाने से मना नहीं करता प्रोसेसर, ये सभी गेम्स को चलाकर देगा आपको। सेकेंड बात आती है कि अगर आप फ्यूचर में एक अच्छा कार्ड ऐड करते हो इस प्रोसेसर के, इस एपीयू के साथ, तो होने के वाला है कि आप फ्यूचर में स्ट्रीमिंग तक कर पाओगे इसी बिल्ड के अंदर। तो इसीलिए मैं इस बिल्ड को लेके आया हूं यार, परफॉर्मेंस के मामले में कोई आपको बॉटलनेक नहीं मिलना है इसके कोर्स के अंदर यार, बड़े मजे से चलने वाले हैं, सारे ही काम करवा के देंगे आपको, गेमिंग, स्ट्रीमिंग एंड मल्टीटास्किंग, एडिटिंग सभी करवा के देंगे। आप एक अच्छा कार्ड यूज कर लोगे स्ट्रीमिंग के लिए, अभी गेमिंग करो, एडिटिंग करो, मक्खन, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली यार। थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन भाई इस बात को समझना, खुद से भी एक बार थोड़ी जानकारी ले लो, मैं नहीं कहता मेरी बात ही मानो, लेकिन खुद से दिमाग लगा के जानकारी आप ले सकते हो कि आपके लिए 40,000 में अभी के लिए बेस्ट बिल्ड है, 20,000 पे अपने ग्राफिक कार्ड का बजट लेके चलो, 60,000 में एक अच्छा बिल्ड तैयार, अभी आपको डिस्प्ले, गेमिंग, वेमिंग, एडिटिंग सब मिलेगा इसके अंदर। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जिस बिल्ड में यूज कर रहे हैं वो आसूस की तरफ से आने वाला टफ गेमिंग A520M+ मदरबोर्ड। इस बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है, डिसेंट सा मदरबोर्ड है, आपको 4 RAM स्लॉट देखने को मिल जाएंगे इसमें, डेडिकेटेड NVMe स्लॉट देखने को मिल जाएगा आपको इसमें,
एक ओवरऑल एक डिसेंट सा मदरबोर्ड है, अच्छी डिसेंट सी वीआरएम सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, आपको कैलरन कंप्यूटर से देखने को मिल जाएगा 6800 का बड़े आराम से, वहां से इस मदरबोर्ड को आप ले सकते हो। एक बात फिर से बोलूंगा, हमारे वीडियोस में जो भी वेबसाइट्स बताई जाती हैं 100% जेन्युइन है, कोई डाउटफुल वेबसाइट्स नहीं है। हाँ, एक टिप और देता हूँ, जब भी कोई चीज ऑर्डर करना चाहो तो एक बार उनको कॉन्टेक्ट अस में जाकर श्योर किया कर वो एक्चुअल में प्रोडक्ट अभी इन स्टॉक है कि अभी उन्होंने अपडेट करना भूल गए कि आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, इसके रिगार्डिंग सिर्फ। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट से, जो कि है रैम। जो रैम इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं वो कॉर्सेयर विंडोज की 8GB की सिंगल स्टिक, जो कि बेस्ड है 32 MHz पर। यार इस रैम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ भाई, एक नंबर रैम है, मजे से कंसिडर कर सकते हो इस रैम को। अब बात आती है, जहां पर हम एक APU बिल्ड करते हैं तो क्या वहां पर 8GB की रैम मोर देन इनफ है? यार देखो यार, बात ऐसी है, APU में जो ग्राफिकल डिमांड्स रहती हैं उसको पूरी करती है हमारी रैम मोस्टली। जितनी हायर फ्रिक्वेंसी की रैम होगी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा आपका APU, बेसिकली आपको और FPS निकालने में हेल्प करता है। तो देखो, अगर अब हम बजट को लेके चल रहे हैं तो हम अभी सिंगल सिक रैम यूज कर रहे हैं, लेकिन आप इस सिंगल सिक रैम को अगर ओवरक्लॉक करते हो 34 MHz पे, 36 MHz पे, तो आपके APU की परफॉर्मेंस थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। फ्यूचर में जब एक ग्राफिक कार्ड ऐड करते हो कि आपने स्ट्रीमिंग करनी है, तो एक रैम जरूर और ऐड करना 8GB की। अगर मैं इस रैम की प्राइसिंग की बात करूं, कैलरन कंप्यूटर से ही आपको देखने को मिल जाएगी 4390 रुपीस की बड़े आराम से, वहां से आप बाय इसको कर सकते हो। तो गाइस, जहां पर हमने APU मदरबोर्ड एंड रैम ऐड कर ली, वहीं पर इन सबको चलाने के लिए हमने यूज करनी है पावर सप्लाई। जो पावर सप्लाई इस बिल्ड में यूज कर रहे हैं वो है 50W की कूलर मास्टर से आने वाली पावर सप्लाई, जो कि एक 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड पावर सप्लाई है। यार अगर इस पावर सप्लाई की बात करूं तो इस बिल्ड के लिए पावर सप्लाई मोर देन इनफ है। इसमें आपको फ्लैट केबल्स देखने को मिल जाती है, और हाँ, इस बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है, फ्यूचर में आप कोई भी कार्ड ऐड करते हो, चाहे वो 1660 सुपर हो, 1650 सुपर हो, RX 570 हो, उन कार्ड्स को बड़े मजे से चलाएगी। इवन कि यहाँ पर आप 2060 से कार्ड भी यूज करते हो तो उस कार्ड को भी पावर सप्लाई चला देगी बड़े आराम से। अगर इसी पावर सप्लाई की प्राइसिंग की बात करूँ, स्मार्ट टेक्नो से देखने को मिल जाएगी आपको 3500 की बड़े आराम से, वहां से इसको ले सकते हो यार। तो गाइज, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, जो कि है स्टोरेज। स्टोरेज जिस बिल में यूज कर रहे हैं, 1TB की हार्ड ड्राइव यूज कर रहे हैं, जो कि आती है WD तरफ से। 1TB की हार्ड ड्राइव, बेसिकली ये बेस्ड है हार्ड ड्राइव 7200 RPM पर। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ, आपको प्राइम ABGB से देखने को मिल जाएगी 3050 के आसपास, आप वहां से बाय कर सकते हो। इसी के साथ जो हम इसमें SSD यूज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 120GB की SSD, जो हमें स्मार्ट टेक्नो की वेबसाइट देखने को मिल जाती है 2200 समथिंग की बड़े आराम से। एक और बात बोलूंगा, 120GB की SSD हमने सिर्फ इसलिए रखी है कि बजट को देखते हुए आपको रिकमेंड करूंगा कम से कम 240GB की SSD यूज करना अपनी बिल्ड में जरूर। तो गाइस, अब चलते हैं अपने मेन कंपोनेंट, मेन तो नहीं, RGB के तड़के वाला कंपोनेंट, जो कि है कैबिनेट। यार कैबिनेट देखो भैया, मेरी पसंद की तुम लगाते नहीं हो, ठीक है ना, चाहिए आपको अपनी कैबिनेट, इसमें फैंस हो, RGB हो, FPS ज्यादा मिलेंगे उससे, नशे वशे करके पूरे। तो गाइस, फिर भी आपके लिए कैबिनेट निकाल के लेके आऊँ, बजट में भी है जो अच्छा भी है। जिसमें हम कैबिनेट यूज कर रहे हैं वो एंटेक की तरफ से आने वाला NX310 कैबिनेट, बेसिकली गाइस। इसमें आपको साइड में ARGB स्ट्रिप देखने को मिल जाते हैं, एक ARGB फ्रंट में फैन देखने को मिल जाता है आपको, एक आपको बैक में एग्जॉस्ट फैन देखने को मिल जाता है जो कि नॉन RGB फैन है। साइड में आपको टेम्पर ग्लास देखने को मिल जाता है, और PC शाउड का भी स्पॉट आपको देखने को मिल जाता है यार। तो ओवरऑल ये एक अच्छा कैबिनेट है, इसको कंसीडर कर सकते हो। इसकी प्राइसिंग की बात करूँ आपको, तो स्मार्ट टेक्नो से ही आपको देखने को मिल जाएगा 3700 रुपीज़ का, वहां से बाय इसको कर सकते हो। तो गाइज, यहीं पर होता है हमारा बिल्ड खत्म। अब मेन पॉइंट है, थोड़ा सा समझ लो, फिर से आपको ओवरऑल इस बिल्ड की परफॉर्मेंस की बात करता हूँ। तो यार, 6 कोर और 12 थ्रेड्स मोर देन इनफ है आपकी सारी ही AAA टाइटल जैसी गेम्स को रन करने के लिए, और विद ये APU के साथ तो आपको सारी ही गेम्स चला के देगा मजे से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। फ्यूचर में आपने कुछ नहीं करना, एक 15,000 से 20,000 का बजट लेके चलना है, जब ग्राफिक कार्ड्स के प्राइस डाउन होंगे, एक कार्ड ऐड करो, मजे से स्ट्रीमिंग करो किसी भी गेम की, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बस एक सजेशन हो रहा है कि एक रैम जरूरी ऐड कर लेना, अभी के लिए गेमिंग करवा देगा, एडिटिंग करवा देगा, कंटेंट क्रिएटर हो तो एडिटिंग भी आपको बड़ी अच्छी करवा देगा यार। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी, कि वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि
फ्यूचर में हमारी जो वीडियो आएगी सबसे पहले मिलेगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। तो गाइस चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइस, ऑलवेज गिव योर बेस्ट।